दिल्ली पुलिस ने गोला बारूद की तस्करी में शामिल एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने लगभग 2000 जिंदा कारतूस सहित भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। वहीं पुलिस ने तस्करी में शामिल 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एडिशनल CP विक्रमजीत सिंह ने बताया कि आनंद बिहार बस अड्डे के इलाके से कारतूस की सप्लाई करने वाले 6 आरोपितों को गिरफ्तार करते हुए बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया गया है। पूर्वी दिल्ली पुलिस ने आनंद बिहार इलाके से 2 बैग में भारी मात्रा में हथियार बरामद किया है। वहीं दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस का ऐसा मानना है कि 15 अगस्त से ठीक पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आरोपित बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर रही है। इससे पहले IB ने एक रिपोर्ट जारी कर दिल्ली पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के निर्देश दिए थे। आपको बता दें कि इसी महीने में IB ने 10 पन्नों की एक खुफिया रिपोर्ट में बताया था कि आतंकवादी 15 अगस्त को आतंकी हमला कर सकते हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश दिए थे। दिल्ली पुलिस ने भी सतर्कता बरतते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस ने IB के निर्देश पर लाल किले की परिधि को कवर करने वाले उत्तरी जिले और मध्य जिले में बड़ी संख्या में कैमरे लगाए हैं। ये कैमरे IP आधारित फेस डिटेक्शन, पीपल मूवमेंट डिटेक्शन, ट्रिप वायर, ऑडियो डिटेक्शन, इंट्रूजन डिफोकस आदि सुविधाओं से लैस होंगे। 6 तारीख को सुबह हमारे आइजन डील्स के तहत हमें इनपुट मिला था एक ऑटो ड्राइवर से, जिसने बताया कि 2 लड़कों को उसने स्पॉट किया है आनंद बिहार बस अड्डे के पास, जिनके पास 2 बैग्स में काफ़ी कुछ हैवी बैग्स हैं और उसको वो कैरी कर रहे हैं। इमीडिएटली हमारे जो LTV स्टाफ था, हेड कांस्टेबल विक्रांत और कांस्टेबल रोहित, उन्होंने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया और इन दोनों लड़कों को इंटरसेप्ट करके चेकिंग की तो पता चला कि उनके 2 बैग्स में बहुत भारी मात्रा में और भारी संख्या के अंदर लाइव एमिनेशन था। अगर उसको फर्दर वेरीफाई किया तो ये सारा हाई कैलिबर एमिनेशन है, विच इज़ यूज जो राइफल्स के अंदर यूज़ हो सकता है और पिस्टल्स और देसी कट्टों में भी यूज़ होता है। कुछ अलग अलग टाइप का एमिनेशन था। इसके ऊपर फर्दर कार्रवाई करते हुए हमने मल्टीपल टीम्स को अलग अलग डायरेक्शन में भेजा, जहाँ से जो भी इनपुट्स हमें मिल रहे थे उनकी इंटरप्रिटेशन से तो ये पता चला है कि एक गन हाउस से ये पिलफरेज हो रही थी। देहरादून बेस्ड एक गन हाउस है, उसके ओनर को, लाइसेंस होल्डर को भी हमने अरेस्ट किया है और ये बेसिकली आपस में एक गन हाउस से दूसरे गन हाउस के अंदर लाइसेंसेस के बेस पे ट्रांसफ़र करते हैं एम्यूनेशन को और एक्चुअली ये सारा एम्यूनेशन जो है ये पिलफरेज होके क्रिमिनल्स तक पहुँचाया जाता है। इसके अंदर एक इनपुट ये भी मिला है कि मेरठ में जेल के अंदर एक कैदी के थ्रू नेटवर्क इस्टेब्लिश हुआ था, जहाँ से ये इंफॉर्मेशन हमें मिली है और अभी तक इस पूरे सिलसिले में हमने 6 लोगों को अरेस्ट किया है। इसमें जो कुरियर्स थे जिनके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था सारा एम्यूनेशन, जो कि 2251 लाइव राउंड हमें मिले हैं, ये 2 लड़कों को अरेस्ट किया है हमने, राशिद और अजमल नाम के लड़के हैं। इन्होंने ये सोर्स किया था देहरादून के एक गन हाउस से, रॉयल गन हाउस नाम है गन हाउस का और उसके मालिक का नाम है परीक्षित नेगी। फर्दर ये जौनपुर UP का एक रहने वाला लड़का हमने पकड़ा है, जिसका नाम सद्दाम है और ये कंसाइनमेंट जो था ये इनिशियली अभी तक जो इंटरोगेशन में पता चला है लखनऊ के लिए इंटेंडेड था, वहाँ से आगे कहाँ जाना था उसके ऊपर अभी हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बेसिकली जो फाइनल टारगेट है वहाँ पर अभी हम उसके पीछे लगे हुए हैं, हमारी टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है उसको, अरेस्ट करेंगे हम। प्राइमो फेसाई अभी तो ये क्रिमिनल नेटवर्क का ही पार्ट लग रहा है, लेकिन अभी हमने टेरर एंगल को रूल आउट नहीं किया है क्योंकि आजकल टेररिस्ट और क्रिमिनल्स के जो बीच की लाइनें काफ़ी ब्लर हो रही है, तो प्राइमो फेसाई ये क्रिमिनल नेटवर्क का ही पार्ट लग रहा है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।